तपस्या से ही हमारा, देखिए जब तक स्वर्णकार सोने को गर्म करके तपाएगा नहीं तब तक उसमें चमक नहीं आएगी, सुंदर आभूषण नहीं बन सकते। सुंदर आभूषण बनाने के लिए उसको तपाना पड़ता है, तभी वही ये स्वर्णमयी जो हमारा हृदय है, जो शरीर है, जब तक तपेगा नहीं तब तक चमक कैसे आएगी। भक्ति का प्रभाव अपने आप चमकने लगता है, चमकाने की जरूरत नहीं, तप करते रहो, जप करते रहो, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो वही सूत जी ने कहा कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सभी भक्तों के लिए अच्छा प्रश्न है कि सभी की कल्याण करने के लिए जिस पुराण में ज्ञान भरा है, जिस पुराण में शील भरा है, जिस पुराण में समृद्धि भरी है और जिस पुराण में समस्या का समाधान भरा है, वह है शिव महापुराण। उस शिव महापुराण को आप श्रवण करें, यह शिव महापुराण आपका कल्याण देने वाला है। वो जो धर्म काम और मोक्ष जो चारों चीजों का पुरुषार्थ देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जीवन में, और ये चार ही अवस्था में जीव जीता है। पहली अवस्था है बाल्य अवस्था, दूसरी अवस्था है युवावस्था, तीसरी अवस्था है पौगंड अवस्था, और चौथी अवस्था है वृद्ध अवस्था। जिसने जन्म लिया है ये चारों अवस्थाओं से होकर के व्यक्ति अपने जीवन तक वहां पहुंचता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ऐसा कोई जीव धराधाम पर नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य धराधाम पर नहीं है जिसका बाल्यकाल न बीता हो, जिसका वृद्धावस्था न बीती हो, जिसका बुढ़ापा जवानी न बीती हो। बचपन में खेला खाया, मौज करी, बाल्यावस्था निकल गई, और बड़े हुए पढ़ना लिखना शुरू हो गया, पढ़ते पढ़ते जवान हो गए, विवाह हो गई, बालक बच्चे हो गए, उनकी शादी ब्याह कर दिए, धीरे धीरे जवानी ढल गई और चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर गए, बुढ़ापा आ गया। जिस जवानी में जीव अपने आप को सोचता था कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय ब्रह्मणास्ति, कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे समान कोई बलवान नहीं, कोई धनवान नहीं, वृद्धावस्था में जाकर के महसूस होता है कि न मेरी अब बचपना रहा, न मेरी अब जवानी रही, अब न मेरी न पौगंडा अवस्था रही, अब न मेरी अब बुढ़ापा भी नहीं रहा, धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। जो सभी पुराणों में उत्तम जो शास्त्र है, ये महादेव की गाथा वाला और धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला, यह है महाशिव पुराण। इसको श्रवण करने से व्यक्ति को चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। सूत जी ने कहा कि ऋषियों की कर्मणा जायते भक्तिर भक्तया ज्ञानम प्रजायते, कि ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति रीति शास्त्रे सुनिश्चय। कि कर्म से, ध्यान देना, कर्म से होती है भक्ति। जब तक आपका शुभ कर्म नहीं होगा आप भक्ति के रास्ते पर, भक्ति के द्वार पर प्रवेश नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या?
नहीं, जब तक हमारा शुभ कर्म नहीं होगा हमें कथा में आने का अवसर नहीं मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कर्मणा जाते कर्मणा जायते भक्तिर यता ज्ञानम प्रजायते। ध्यान देना, शुभ कर्म हमें भगवान से मिलाने का एक रास्ता चुनता है और शुभ कर्म से भक्ति होती है और भक्ति से फिर ज्ञान होता है और ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। तो हमें इस मार्ग को अपना लेना चाहिए। अरे ये तो आप सब जानते ही हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। आप ये मत सोचना कि हम जवान हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, हम यशस्वी हैं, हम तपस्वी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ऊंचे पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं। नहीं, ये सब व्यर्थ चला जाएगा, ये नहीं टिकता, ये चला जाएगा। हम चाहे कितना भी रोकने का प्रयास क्यों ना करें, नहीं रह सकता, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। कि भवाब्धि समग्नम दीनम कि मा समुद्धम भवान तपवात कर्म ग्राही ग्रहीतांग दासो अहम तव शंकर। सूजी कहते हैं शंकर कौन है, शंकर किसको कहते हैं? कि शंकर समम करोति कल्याणम इति शंकरम। शंकर कौन है? जो उस जगत का कल्याण करता है। शंकरम समम करोति कल्याणम, अब शंकर के समान कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है, कल्याण करने वाला है शंकर, जो सभी को समान रूप से कल्याण करता है।